संभल से। बुलंदशहर में हुई हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को खराज अकीदत पेश करते हुए हिंसा फैलाने वालों एवं हत्यारोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन भेजकर नगर में कैंडल मार्च निकाला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हमारे भारत में प्रदेश में बना आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसमें कुछ संगठन ऐसे निकल के आए कि उन्होंने हिंदुस्तान में जीवन व्यतीत करने वालों का दुश्वार कर दिया जीना। परसों बुलंदशहर में घटना हुई है, इससे बड़ी और कोई दुख की बात नहीं हो सकती। जो कानून के और हम लोगों के रखवाले हैं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमें बड़ी चिंता है। ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, और ये खास तौर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और RSS, इस पर पूर्ण रूप से हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि अगर इस पर प्रतिबंध लग जाएगा तो प्रदेश और देश में सुकून से लोग जीने लगेंगे, चाहे वो किसी समाज के लोग हों। मैं ये नहीं कहता किसी एक समाज को, किसी समाज के लोग हों, अगर इन पर प्रतिबंध लग जाए तो आप पत्रकार महोदय मेरी बात याद रखना, इस प्रदेश और देश में सुकून से लोग जीने लगेंगे। और अगर इन पर प्रतिबंध नहीं लगा तो अभी कितनी हत्याएं, और अभी योगी जी की सरकार कुछ समय और बाकी है, कभी आनी तो है नहीं, ये फिर और 3 महीने इनके ये जो